गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.3। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। वी टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 6 × -14 इज इक्वल टू फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए इसका साइन क्या है, प्लस और ये माइनस। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। 14 × 6 = 84। अंडरस्टैंड? वी टेक अदर क्वेश्चन नंबर 4 इज -12 × 12। पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और यहाँ क्या है प्लस। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -12 × 12 = 144। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग by making suitable groups। इसे क्वेश्चन फर्स्ट इज -14 × 15 × 15। हमें क्या करना है, एक सुटेबल ग्रुप बनाना है। इसमें मान लिया 40 है 50। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 40 और यहाँ 50। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन क्या है, प्लस और इसका माइनस। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। इसको पहले से लिख लेते हैं 40 × 50 × 50। देखो यहाँ पे माइनस हो गया। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1020 5 × 20 इंटू कितना हो गया 50 इज इक्वल टू माइनस। तो अब यहाँ क्या है माइनस और यहाँ प्लस, माइनस एंड प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस। 1020 1 2 3 0 1 2 3 15 × 30,000। योर इज आंसर। वी टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड 37 × -250 × -8 इज इक्वल टू। अभी क्या करना है, इसका सेटअप ग्रुप बनाना है। पहले हम इसका देख लेते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 1000। फर्स्ट हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 37 × -(−) प्लस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 0। 25 × 8 करेंगे कितना जाएगा 200। कितना हो गया 2000। अब इसका मल्टीप्लाई करके 1 × 2 = 30 अब 2 × 37 में कितना जाएगा 74,000। अंडरस्टैंड? सेम क्वेश्चन नंबर थ्री। Using a suitable property, find the products of the firm. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 132 × 95। मैं क्या करना है, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी हम यूज करना है 132 × 95 है ना, सो क्या सकते हैं 100 − 5 क्योंकि 100 − 5 बन क्या जाएगा 95। तब इसका क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी 132 × 100 − 132 × 5 कितना हो जाएगा 13,000।
200 माइनस 5 टू जा 10, 5 टू जा 15 1 16, 5 पॉइंट जा 5 1 6, माइनस कर दो 10, 0 माइनस 0 0, अभी क्या हो गया 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 14, 1 हो गया, 11 माइनस 6 5, और यहाँ क्या हो गया 2 1, 12,540 सेव। वी टेक क्वेश्चन नंबर 4, वी टेक क्वेश्चन नंबर 4 एज 467 इंटू 1002, मैं क्या करेंगे 462 इंटू 1002 एज क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 462 इंटू 1000 प्लस 462 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46,000 प्लस 2 2 4 2 6 12, 1 कैरियर 2 4 8 1 9, इसको ऐड कर दो 0 and 4 4 0 2 2 0 and 9 9, हियर इज 2 6 4 4,62,924। In question number 4, 467 into 1002, 467 into we write as 1000 plus 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो 467 into 1000 plus 467 into 2 कितना हो जाएगा 467,000, इसका मल्टीप्लाई 2 से जा 40, 4 1 कैरी 2 6 12 1 13 3 1 कैरी 2 4 8 1 9, that is 0 4 4 0 and 3 3 0 and 9 9 7 6 4, now that the 467,934, understand? We go on question number 4, same here, question number 4 we have to see type that. क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, सुटेबल प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 972 इंटू 999 प्लस 972 इंटू 1, अब इस क्वेश्चन का क्या है 972 इंटू 999 प्लस 972 इंटू 1, अब देख रहे हैं वहाँ पर 972 900 दोनों में कॉमन है, कॉमन आउट कर लो 972 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 999 प्लस 1, ये तो बाहर हो गया पर क्या हो गया यहाँ पे 1 यहाँ पे 999, 972 इंटू 1000 दैट इज 972 पर 0 रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल सॉल्व, वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विथ सिंबल्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल। विल टेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 + 3 × 11 box, 6 + 3 × 11, क्या क्वेश्चन में, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विथ सिंबल्स
अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में इन तीनों सिंबल देखना कौन सा हमें यूज होगा। फर्स्ट वी सॉल्व दैट, 6 प्लस 11 थ्री सा 33 बॉक्स हो गया, 6 3 9 इंटू 11 33 और 6 ना हो जाएगा 40 39 11 9 सा 99। अब इसमें से कौन रिटर्न है, 39 या 99, 99, तो हमारा पे साइन सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ऑल्सो वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7 इंटू माइनस 3 बॉक्स माइनस 3 इंटू 7 7 थ्री से प्लस इंटू माइनस माइनस 7 थ्री से 21 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 7 21। अब देखो इधर माइनस 21 इधर माइनस 21 दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। अंडरस्टैंड? वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू सी इन योर बुक A watch is getting slow by 3 minutes. A watch is getting slow by 3 minutes for each hour in a day. कह रहा है कि कोई घड़ी है वो शो कर रहा है 3 मिनट लेट शो कर रहा है पर आवर, यानी एक घंटे में 3 मिनट का लेट शो कर रहा है। इफ़ इट शोज 8 AM नाउ, इस समय वह घड़ी में कितना बज रहा है, 8 AM यानी सुबह के 8 बज रहे हैं। What will the time after 10 hours? तो 10 घंटे बाद घड़ी में कितना टाइम शो होगा। अभी जो इस टाइम कितना घड़ी में शो कर रहा है, दिस टाइम वॉच शो टाइम कितना बज रहा है इस टाइम घड़ी में, 8 AM हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि पर आवर कितने मिनट का स्लो है, 3 मिनट का, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि कह रहे हैं कि 10 घंटे बाद आफ्टर 10 मिनट आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर 10 आवर्स वॉच शो टाइम, तो 10 घंटे बाद घड़ी में कितना बजेगा, 6 शाम के 6 बज जाएंगे PM। अब ये क्या हो जाएगा, 6 PM माइनस, अब कह रहा है कि पर आवर में कितने मिनट का कम शो कर रहा है, 3 मिनट का, तो कितने घंटे हो गए हैं, 10 घंटे। तो 10 घंटे हैं और आपके पास 10 आवर है, उसमें 3 मिनट सभी आवर में 3 मिनट लेस हो रहा है, कितना हो गया, -30 मिनट। जब 6 PM से 30 माइनस होगा कितना बचेगा घड़ी में, 3:30 PM यानी शाम के क्या होगा, 5 hours 30 मिनट। वी गो इन ऑन क्वेश्चन नंबर 7। सी क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ स्कूटर डिप्रिसिएट्स बाय ₹3,000 इन फर्स्ट ईयर। कह रहा है कोई स्कूटर है उस पर क्या डिप्रिसिएशन वैल्यू उसका 3,000 है इन अ फर्स्ट ईयर, पहले साल 3,000 का है डिप्रिसिएट्स वैल्यू हुआ, एंड देयर आफ्टर एट द रेट ऑफ 1200 पर ईयर, इसके बाद जो ईयर हैं उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है कितने का, 1200 का। कह रहा है इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज ₹48,000, कह रहा है कि इस टाइम ओरिजिनल प्राइस स्कूटर कितना है, 48,000, फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर आफ्टर 6 ईयर, तो कह रहा है 6 साल बाद स्कूटर की प्राइस कितनी होगी। सॉल्यूशन, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए स्कूटर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ स्कूटर कितना है, ₹48,000, डिप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर, डिप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर ₹3,000, पहले साल कितना एडिशन हो गया, डिप्रिसिएशन हो रहा है 3,000 इसका, आफ्टर आफ्टर कितना हो रहा है, ₹1,200
पर ईयर। पहले साल 3000 का डिप्रिसिएशन हुआ, इसके बाद 1200 का डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो अभी क्या करना है, हमें बताना है इस टाइम एक्चुअल वैल्यू कितना है स्कूटर का आफ्टर सिक्स इयर्स। आफ्टर सिक्स इयर्स प्राइस ऑफ स्कूटर। अब देखो पहले क्या था प्राइस, 48,000 माइनस पहले साल कितना डिप्रिसिएशन हुआ फर्स्ट ईयर में 3000। इसके बाद कितने का हो रहा है आपको निकालना है आफ्टर सिक्स ईयर। तो फर्स्ट ईयर तो हो गया, बचा कितना फाइव ईयर। तो फर्स्ट ईयर कितना, फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो रहा है 1200 का डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो फाइव ईयर बच गया आपके। तो फाइव इंटू रुपीज 1200 कितना हो जाएगा, रुपीज 48,000 माइनस रुपीज 3000 प्लस रुपीज 1200 6000 इज इक्वल टू रुपीज 48,000 माइनस रुपीज 9000। माइनस का टर्म क्या रहेगा, माइनस कितना आएगा 39,000। तो 6 साल आफ्टर 6 ईयर्स द प्राइस ऑफ स्कूटर विल 39,000। अंडरस्टैंड, वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सी इन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 marks आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। फॉर एवरी करेक्ट आंसर मार्क्स अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 marks। 2 marks आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे यहाँ पे क्योंकि डिडक्ट हो रहा है, -2 marks। एंड 0 marks इज गिवन फॉर नॉट आंसरिंग। अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उसके 0 marks हैं। मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग इज इक्वल टू 0। अब कह रहा क्वेश्चन, फाइंड द स्कोर ऑफ अ बॉय हु अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन 20। फाइंड द स्कोर ऑफ अ बॉय हु अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 20। बट ओनली 12 आंसर आर करेक्ट। इस क्वेश्चन को प्लीज समझ लो, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है किसी एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में क्या है कि एवरी करेक्ट क्वेश्चन के आपको 5 marks मिलते हैं और गलत यानी रॉन्ग अगर हो गया आपको -2 marks डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर टोटल क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसमें से 12 क्वेश्चन सही है करेक्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 20 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट इज इक्वल टू 12। तो मार्क्स कितना हो जाएगा 12 into 5, क्योंकि करेक्ट कितने मिलने आपको 5 marks, पूरा कितना हो गया 60 marks। इतने तो उसने क्या किया, करेक्ट में मिला उसको। अब जब 20 तो अटेम्प्ट किया है जिसमें से 12 क्या हमारा करेक्ट है, तो रॉन्ग कितने हो गए, रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय बॉय कितना अटेम्प्ट किया 8 questions। ठीक, तो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन
इसको लिए क्या हो जाएगा 8 इंटू माइनस 2 क्योंकि डिडक्ट होगा ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा माइनस 16 मार्क्स। अब क्या करेंगे, इतना मार्क्स क्या था 60 मार्क्स, इतना पाया उतना डिडक्ट हो जाएगा, तो मार्क्स गॉट बाई इस टू गॉट बाई वाई इन एग्जामिनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मार्क्स माइनस 60 मार्क्स, इसमें कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4 5 माइनस 1 54 मार्क्स, यानी बच्चा जो था वो 54 मार्क्स गेन किया। सॉरी 10 माइनस 6 इज 4 5 माइनस 1 इज 8 रॉन्ग हो गया 16 माइनस 16 60 मार्क माइनस 16 इज इक्वल टू 44 मार्क्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 1.3।